अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माजिका किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे किचन में बन रहे हैं बर्गर, चिकन शामी बर्गर। तो इसकी रेसिपी चलते हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामी कबाब के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि आप नोट कर लीजिए। मैंने 1/2 kg चिकन ली थी और इसके अंदर ये मसाले लिए थे। 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और नमक है हसबे जायका। गोल वाली लाल मिर्चें हैं 7-8, लहसुन के जमे हैं 4-5 और 4-5 हरी मिर्चें हैं। ये देखें, मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है और 1/2 किलो ही चने की दाल में मैंने इसको ऐड कर लिया है। और अब हम इसको पकाने के लिए चढ़ा देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और जब तक ये गलेंगे तब तक हम इसको पका लेंगे। ये देखें, हमने इसको बंद करके इसी तरह से पका लिया है और ये माशाल्लाह देखें कितने अच्छे कुक हो चुके हैं। और अब हम इसको हाथ से पीस लेंगे। अगर आप चॉपर में पीसना चाहें तो आप चॉपर में भी पीस सकते हैं, वरना आप इसको हाथ से भी मैशर की मदद से पीस सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से आप पीस लीजिए। अच्छा, ब्रेस्ट पीस मैंने बाद में ऐड किया था कि चने की दाल अच्छी तरीके से कुक हो जाए तो रेशा जो है इसका बरकरार रहता है। और अगर आप साथ भी पकाना चाहें तो आप साथ भी पका सकते हैं। तो ये देखें कितने मज़ेदार किस्म के चने की दाल काफ़ी अच्छी कुक हो चुकी है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैशर की मदद से जल्दी ये हमारे बन जाएंगे। और जल्दी जल्दी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये इसके अंदर हम हरा मसाला ऐड करेंगे, जिसके अंदर चॉप प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी ये सब चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करके और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखें कितने मज़ेदार किस्म के शामी कबाब लग रहे हैं। ये मैंने फ्रीज़ कर रख लिए थे, आप भी रख सकते हैं। ये आपने मेरी रमज़ान प्रिपरेशन में देखे होंगे और ये अच्छे खासे बन जाते हैं। आपका जब दिल करे तो आप इसको बनाएं और बच्चों को दें। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसको बना सकते हैं और इफ्तारी के टाइम पे भी इसको बना सकते हैं। चलें अब इसको असेंबल भी कर लेते हैं और चाहे तो आप इसको फ्रीज़ कर लें। बर्गर की असेंबलिंग के लिए जो हमें सामान दरकार है वो सब मैंने सामने रख लिया था, तो जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें चाहिए, जिसके अंदर हमने शामी टिकिया बनाई थी शामी कबाब की, वो हैं। और खीरा हमने कट किया है, टमाटर हमने कट किए हैं, मायो है और केचप है। और ये ग्रीन चटनी है जो कि मैंने दही में ऐड करने के बाद बना ली है। 3 अदद अंडे हैं, आप ज़्यादा भी या कम कर सकते हैं। और बर्गर बंद हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी, जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक कर लें। और अब हम बर्गर बनाते हैं। तो अब हम कबाबों को फ्राई करेंगे, जो कि हमने अंडों को फेंट लिया है और इसके अंदर हम अच्छी तरीके से शामी टिकिया को ऐड करने के बाद हम फ्राई कर लेंगे। और जब इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इसको साइड में लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से और इनकी जो कोटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो इनको फ्राई कर करके आप साइड में रख लीजिए और उसके बाद हम अंडा जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे बर्गर के ऊपर हम लगाएंगे, वो हम फ्राई करके रख लेंगे। तो ये दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे, हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बाकी के जो बर्गर हैं बंद, उनको हम थोड़ा सा ऑयल डाल के सेक लेंगे और उसके बाद हम इनको बर्गर को असेंबल कर लेंगे। बाकी काम मैंने दस्तरखान पे किया था। चलें चलते हैं दस्तरखान की तरफ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बन लेकर इसके ऊपर हमने मायो डाला है। मायो डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है और अब हम इसके ऊपर अपना शामी कबाब रखेंगे, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा फ्राई हुआ है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। बाकी जो हमने इसके अंदर टमाटर काटे हैं या जो खीरा काटा है, और इसके अलावा भी आप इसमें वेजेस डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मेरे घर में बच्चे यही पसंद करते हैं तो मैंने यही ऐड किया था। आप इसमें खीरा वगैरह भी, सॉरी, बंद गोभी और सलाद पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने इसके अंदर अंडे का ऑमलेट रख दिया है और बाकी जो इसका टॉप वाला बन था उसके ऊपर मैंने केचप डाल दिया है। आप चाहें तो ये मैंने प्लेन केचप डाला था, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने दोनों ही सॉस रखे थे। ये देखें, मज़ेदार किस्म के हमारे बर्गर तैयार हो चुके हैं, थोड़े से सैलेड के साथ और फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह, हमारी प्लेटर तैयार है जो कि इफ्तार के लिए रेडी है और अब हम इसे इंजॉय करेंगे। और आप भी इसे अपने दस्तरखान पर इंजॉय कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करना पड़ेगा, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।